नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और इस वक्त लाइव आने का कारण एक ही था कि हाँ, परेशानी तो सबको है, और किसको सफाई देंगे हम, साबुन थोड़ी है, इंसान है। बट समय है, गुजर जाएगा। आप लोग हमारे साथ हैं, आपका मोहब्बत, आपका प्यार और आपकी ऊर्जा हमारे साथ है। मैं जानता हूँ कि मैं गायकी पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ कि कोर्ट ने फैसला जो दिया। अगर मैं गलत हूँ तो शायद मुझे परेशान तो होना है, बट मैं गलत नहीं होना, तो ईश्वर है, महादेव सबका भला करता है। एक चीज़ मैं दो दिन से देख रहा हूँ कि मेरे टीम को बोला जा रहा है कि इसने पैसा ले लिया, उसने पैसा ले लिया और खिसारी को फंसा दिया। एक बात बताऊँ आप सबसे, जिस तरह आप सब प्यार करते हैं ना मुझे, उसी तरह हमारे टीम के लोग भी प्यार करते हैं। सिर्फ हमारे टीम को बदनाम करने इसलिए ताकि दुनिया उस आदमी को कुछ ना बोले। हमारी टीम को सिर्फ तोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि आप सबके नज़र में हमारी टीम, हमारे लोग निगेटिव हो जाएं। हमारी टीम आज हमारे लिए रातों दिन जगती है, और कोई इंसान अपने ही रोजी रोटी को कैसे फंसा सकता है। हम जिंदा हैं तब उनकी घर के दो वक्त की रोटी मिलती है, हम जिंदा हैं तब उनका शोहरत है, उनका सम्मान है। तो सिर्फ इसलिए झूठी अफवाह वहीं से फैलाई गई है जहां से मैं फंसा हूं, और मैं कैसे फंसा हूं, क्यों फंसा हूं, ये सबको पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है, बट क्यों, कोई नहीं। मैं महादेव पे भरोसा करता हूँ, जिसने मुझे फंसाया है उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी परिवार है, उसकी भी फैमिली है। मैं भी परेशान हूँ, मेरी फैमिली भी परेशान है, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मेरी फैमिली सो पा रही है, ना हम टाइम से खा पा रहे हैं, भूख नहीं लगती है, क्योंकि ज़िंदगी में एक ही चीज़ तो आता है, बस गाना, और उसी पे नुकसान लग गया है कि नहीं हम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, और हमारी टीम ने भी कोई किसी से पैसा नहीं लिया। सिर्फ हमारे इसलिए क्योंकि जिसने ऐसा काम किया है वो मुझे, मैं इसलिए हमारी टीम को टारगेट कर रहा है, रीज़न कि उस पर दुनिया कुछ ना बोले। और मैं आप सबसे भी बोलता हूँ कि ठीक है, आप भी कुछ किसी को मत बोलिए। कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मत दीजिए, वो भी इंसान है, अच्छी बात है, ठीक है, मेहनत करके कमाना चाहिए इंसान को, क्योंकि कुछ लेकर जाना नहीं है, ना हमको लेकर जाना है, ना जिन्होंने मुझे फंसाया है उनको लेकर जाना है। और हमारी टीम बहुत प्यारी है, और ऐसा नहीं कि हमारी टीम ने मुझे फंसाया है, ऐसा नहीं है। जिस तरह मैं विश्वास उस इंसान पे करता था, एक बहुत प्यारा रिलेशन था, उसी तरह हमारी टीम भी उस इंसान पे विश्वास करती थी। तो हम लोगों ने चीज़ों को नहीं देखा, और किसी ने मुझे नहीं फंसाया, मैं आज आपको बता रहा हूँ। सिर्फ उधर से एक टारगेट है कि हम पे, हमें कुछ दुनिया कुछ ना बोले, इनके टीम पे ही तिकड़ा फोड़ दें ताकि टीम वाले को दुनिया बदनाम करे। जो लोग रातों दिन मेरे लिए जगते हैं, रातों दिन मेरे लिए काम करते हैं, वो मुझे कैसे फंसा सकते हैं। आप लोगों का प्यार रातों दिन मिलता, आज तक ऑडियंस ने मुझे फंसाया नहीं ना। ठीक है, परेशान हूँ मैं, मुझे सोए हुए 12 से 14 दिन हो गए, नहीं सो पा रहा हूँ, क्योंकि एक कैरियर है ना इंसान का, इतनी मेहनत से लिट्टी चोखा बेच के, लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगा के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ईश्वर देख रहा है। मैं, आप सब मेरे लिए ईश्वर है, आप मेरे साथ हैं। सिनेमा के गाने रिलीज हो रहे हैं ना, नज़र तो मिला के नजरिया से संवरिया कमाल कर अला, अन्नपूर्णा फिल्म से एक गाना मेरा ले जाए कि माल के मोबाइल धरा गिल मैं आपके, ए वी आर म्यूजिक से कितना प्यारा डबल खिड़की। आप सुनिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, सिनेमा के गानों को प्यार दीजिए, जब तक ये मेटर है शायद मैं, और हो जाएगा ठीक। और मुझे लगता है कि इस मेटर से ना जिन्होंने फंसाया है ना उनको फ़ायदा है, और मेरा तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, बट कोई नहीं। मैं कोर्ट का जो भी फैसला आया है मैं सम्मान करता हूँ, आगे भी लड़ाई है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हार के मरूँ, मैं चाहता हूँ मैं लड़के मरूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बदौलत, आप लोगों के प्यार के बदौलत मुझे मिली है, और आप लोग भगवान हैं मेरे लिए, और मुझे आप सब पे भरोसा है, विश्वास है। बट मेरी टीम को प्लीज, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मेरी टीम गलत है,
मेरी टीम गलत होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। हर दिन मैं शूटिंग में रहता हूँ, काम में रहता हूँ, तो गाना कहाँ से आएगा, गाना कहाँ रिकॉर्डिंग होगा, शूटिंग होगा, आखिर टीम ही मेहनत करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ उन पे दुनिया कुछ ना बोले इसलिए मेरे टीम को टारगेट कर दिया जा रहा है किसी के द्वारा, किसी को बोल के झूठी बातें। प्रूफ दे कोई कि हाँ किसी ने किसी को कुछ दिया है, वो बच्चा ठीक है, वो बच्चा इतना प्यारा है, मेरे लिए मेहनत करता है, उसके लिए बातें गलत बोली जा रही है, तो बट ठीक नहीं है ये। कोई भी टीम किसी भी चीज़ के, हमारे कहने का मतलब कि ऐसा थोड़ी है जब मैं अपने टीम में बहुत सारे जाति के लोग हैं तो इसका ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने भाइयों को छोड़ दिया हूँ, नहीं छोड़ा हूँ, अपने माँ बाप को छोड़ दिया हूँ, नहीं छोड़ा हूँ, अपने पत्नी को छोड़ दिया हूँ, नहीं ना, अपने बच्चों को छोड़ा हूँ क्या अपनी टीम के साथ रह के? तो मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं आज भी अपने भाइयों को, भाइयों के लिए इतना आलीशान मकान से लेकर गाड़ी घोड़ा, 10-10 गाड़ियों का मालिक मैं नहीं, मेरे भाई हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, फॉर्चूनर हो या स्कॉर्पियो हो, जो भी हो, मैंने अपने भाइयों के लिए इतना 27 रूम का मकान, इतना बड़ा, आप लोगों ने, आप हर चीज़ आप लोगों के पास अपडेट है। मैं अपने लिए एक ही चीज़ करता हूँ, जो गरीबों को दान करता हूँ, विकलांगों के लिए साइकिल बांटता हूँ, शादी ब्याह में किसी का मदद करता हूँ, मैं अपने लिए, मेरी कमाई वही है, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें होती है मैं सिर्फ फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मेरी टीम ने गलत है, एक टीम के योगदान से ही चीज़ें होती है। और प्लीज़ आप लोग, कोई भी आदमी आएगा तो काम तो करेगा ना, उसका जितना काम है उतना वो काम करेगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरी टीम ने मेरे साथ गलत किया है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, पेपर जो साइन हुए हैं वो विश्वास में हुए हैं मेरे, क्योंकि मेरा रिलेशन पहले बहुत प्यारा था उनके साथ, जिन भाई के साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे पे ब्रेन लगवाया, उनके साथ मेरा बहुत प्यारा रिलेशन था। और जब हम रिलेशन में रहते हैं ना तो हम बिहार के लोग हैं, इमोशनल हैं, इमोशनल लोग पेपर पे काम नहीं, विश्वास पे काम करते हैं। हम विश्वास पे, मुझे लगा जी नहीं यार, चलो यार भाई है, इनसे इतना अच्छा प्यारा रिलेशन है तो जो भी ये लिखे होंगे अच्छा ही लिखे होंगे और बेहतर ही लिखे होंगे। और जहाँ तक मेरे को कोई 5 करोड़ रुपये नहीं मिला है भाई, मैं आप सबको बता दूँ, मेरे को 30 लाख रुपये मिला, जबकि बात तो बहुत पैसे की थी कि हाँ आपको साइन करते ही इतना पैसा, मुझे नहीं मिला तब, और मुझे प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए थोड़ी सी टॉर्चर होने लगा कि मेरा पहले छूटेगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, मेरा ऐसा होगा। तो मैं आज, मुझे लगता है कि 70 कंपनियों का गायक हूँ मैं, आज 70 कंपनियाँ मुझे प्यार करती है, 70 लोगों का कि बदौलत आज कितने लोगों का घर चलता है, कितने लोगों का मनोरंजन होता है, मैं मनोरंजन का साधन हूँ। और मैं संगीत का छोटा सा एक इंसान हूँ जो आप लोग सबका मनोरंजन कराता है, ठीक है, कौन करा रहा है नहीं करा रहा है ये सबको पता है कि मेरे फंसने से फ़ायदा किसको होने वाला, बट ठीक है ना, शेर को पिंजड़े में कितने दिन तक कोई रख सकता है, आज नहीं तो कल चीज़ें तो बड़ी होने वाली है, तो कोई अगर मेरे से लड़के बड़ा नहीं हो सकता है तो मुझे पिंजड़े में बंद करके बड़ा होना चाहता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। आप सबका प्यार है ना मेरे पास, सिनेमा है ना मेरे पास, सिनेमा कर रहा हूँ अभी, और इसके आगे भी लड़ाई है। ताइए मैं अभिमन्यु, मैं लड़के मरना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस फैसले को लेकर आने वाले हमारे जितने भी भाई हैं जो गायक बनेंगे उनको कोई प्रॉब्लम जीवन में इस फैसले के आधार पे हो, मैं नहीं, इसीलिए लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता तो सूले भी हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम हमारे भाइयों को, हमारे गायक बंधुओं को। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि आज कोई भी सिंगर, कोई भी गायक, कोई भी एक्टर मेरा साथ नहीं दे रहा है, बट आज मेरे पे आया है, कल आप पे आएगा। आप अगर आज अपने कला क्षेत्र के इंसान को साथ नहीं देंगे, मैं जानता हूँ, हाँ, कल चल के अगर सारे लोग एकजुट हो जाएं तो ऐसी नौबत किसी कलाकार पे नहीं आएगी। बट कोई नहीं, सबको मज़ा आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, मज़ा लीजिए। आज आप मज़ा ले रहे हैं, कल मैं मजा लूँगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी आने वाली है, ऐसा नहीं कि नहीं आने वाली। अब मैं आज फंसा हूँ, कल आप भी फंसेंगे, तो मैं आज परेशान हूँ, मेरी फैमिली परेशान है, आज 12 दिन से ना मैं ठीक से सो पाया हूँ, ना चंदा सो पाई है, ना मेरे बच्चे सो पा रहे हैं। रीज़न कि उनको भी पता है कि इसी से हमारा घर चलता है, इसी से हमारी रोजी रोटी है, बट कोई नहीं, ईश्वर है ना, महादेव सबका कल्याण करता है, महादेव है हमारे, कृष्ण है,
जो गलतियों को माफ करने वाले हैं, बट कोई नहीं, महादेव हैं, सबका भला करेंगे। अगर मैं गलत किया, अगर किया होगा तो महादेव मेरा इंसाफ करेगा, अगर गलती उधर से हुई होगी तो महादेव उनका भी इंसाफ करेगा। ये बात उनको पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप सबसे सफाई दे रहा हूँ, मुझे सफाई देने के। बाकी जो न्यूज बना रहे हैं मेरे भाई, जिनको मज़ा आ रहा है मेरे फंसने से, क्या मिलेगा आपको? ऐसे ही फंसते फंसते सारे कलाकार फंस जाएंगे और भोजपुरी बर्बाद हो जाएगी। तो आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम किसी कलाकार को। अच्छा ये बताइए, मेरे फंसने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है? खेसारी जिंदा रहेगा तभी ना 10 गो न्यूज बनाइएगा, नहीं जिंदा रहेगा तो कहाँ से न्यूज बनाइएगा? अब कोई आएगा, अब क्या है कि वो नहीं फंसेगा? ऐसे लोग अब अगर जीवन में हैं तो आज नहीं तो कल सबको फंसना है भाई। आज मज़ा जितना जिसको जितना लेना है ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं लाइव आना नहीं चाहता था क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता था कि कोई प्रॉब्लम हो, बट अब टीम पे बातें आई, आज टीम है तभी मैं बोल भी पा रहा हूँ, नहीं तो सुसाइड वाली स्थिति आ गई थी। क्योंकि ज़िंदगी को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की है मैंने, और ये सबको पता है कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूँ, किस फैमिली से आता हूँ मैं। मेरे पास रहने के घर नहीं थे, मेरे पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, हर वो चीज़ था, बस प्यार था आप सबका, और उस प्यार से मैं आप अपने आप को इतना बड़ा किया हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप ये मत सोचिए कि मेरी टीम ने मुझे गलत किया है। अगर टीम ने गलत किया है तो कोई सबूत किसी के पास है तो बता दे मुझे सबूत, जो जितने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बोल रहा है तो सबूत के साथ बोले। ऐसा कुछ नहीं है भाई, फंसाने वाले के लिए कोई टीम योगदान नहीं होता है, हमारा विश्वास है। क्योंकि हम जो जिस धरती से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ सिर्फ प्यार बढ़ता है, और हम मोहब्बत में ये नहीं सोचते हैं कि ये पेपर किस चीज़ का है, नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे अंदर से इमोशन नहीं मरा है, आज भी हम इमोशनल इंसान हैं और लोगों से प्यार करते हैं। और नहीं तो 18 लाख की साइकिल जो मैंने विकलांग को लिए बांटा, क्यों बांटा, किस लिए, मेरी क्या ज़रूरत थी? मैं तो हूँ ना, काम तो कर ही रहा हूँ ना, मैं अपने फैमिली के लिए आज तक जो भी किया किया, लेकिन मैं विकलांगों के लिए, गरीबों की शादी के लिए, या मैं किसी को पढ़ाने के लिए, इतने सारे बच्चों को गोद लेने के लिए मैं क्यों करूँ? नहीं कर सकता, बट किया मैंने। क्यों किया? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं जिंदा हूँ तभी इतने लोगों का हेल्प कर पाता हूँ, इतने लोगों का समाज सेवा कर पाता हूँ। बट कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है कि खेसारी फंसा है, मज़ा ले लो। भाई मैं आज फंसा हूँ, और फंसा नहीं हूँ मैं, मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, इसीलिए भगवान मुझसे एक्टिंग करा रहा है। बट कोई नहीं, करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? मुसीबत उसी पे आती है जो निकलने का क्षमता रखता है, और मेरे ऊपर जनता का प्यार और आशीर्वाद है। आप लोग बस साथ दीजिए मेरा, बस सलाह नहीं चाहिए किसी की, आपका साथ चाहिए, आप साथ दीजिए। और मैं कितने लोगों को सफाई दूँ? साबुन थोड़ी हूँ कि सफाई देते रहो, नहीं, मैं इंसान हूँ, और मैंने मेहनत करके अपने जितने भी ज़िंदगी में कुछ भी, जितना भी कुछ पाया है, सब आप सबके बदौलत और आप सबके प्यार के बदौलत है। तो प्लीज़ आप मेरी टीम को कुछ मत बोलिए, सबने मेरे ऊपर मेहनत किया है तब मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप सबका प्यार मिला है मुझे, मेरे लिए गाना सोचना हो या मेरे लिए जगना हो, मैं अगर 24 घंटा जगता हूँ तो मेरी टीम कम से कम 27 घंटे जगती है। रीजन की भैया को कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरे से पहले मेरे बच्चे उठ जाते हैं, मेरे बाद में सोते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान मेरे ऊपर है। और जो भी ये करा रहा है, ये आपको भी पता है कि जिसने मुझे फंसाया है वो ही करा रहा है, ताकि उस पर दुनिया कोई उंगली ना उठाए, मेरी टीम पर दुनिया उंगली उठा दे, ये हवा कहीं और चला जाए। तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि टीम मेरी बहुत प्यारी है, सारे लोग बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, और मैं इंसानियत का प्यार पुजारी हूँ, मैं इंसान को ही प्यार करता हूँ, किस जाति से आता है नहीं पता, मैं इंसान के तौर पे लोगों का प्यार लेता हूँ, देता हूँ। क्योंकि संगीत का कोई जात नहीं होता, संगीत का कोई मज़हब नहीं होता, कलाकार का कोई आकार नहीं होता, वो चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान के भी कलाकारों को हम सुनते हैं, हमें भी दुनिया पाकिस्तान में प्यार करती है। तो जब पाकिस्तान के लोग प्यार कर सकते हैं, तो हम आप सबके बेटे हैं, हम प्रॉब्लम में हैं, नो डाउट कि हम नहीं प्रॉब्लम में हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हारे नहीं हैं, हम लड़के मरना पसंद करते हैं अभिमन्यु की तरह। तो देखते हैं कितने कौरव मुझे घेरना चाहते हैं, घेरें,
और जितने भी हमारे कलाकार बंधु हैं, आज आप नहीं बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये दिन आपके जीवन में भी एक ना एक दिन आने वाला है। सब लोग उसी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जिसने मुझे फंसाया है, तो ठीक है वो आपको नहीं फंसाएगा, कोई दूसरा तो फंसाएगा। हम मज़ा उस दिन नहीं लेंगे, आपके बारे में बोलेंगे कि नहीं आप मजबूत रहिए, कोई नहीं बोल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम उस आदमी का साथ नहीं देंगे जो संगीत को और जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए आया है, और भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाले इंसान को हम कभी साथ नहीं देंगे। आपको उनके लिए गाना गाना है गाइए, आपको उनके लिए बहुत सारा प्यार बरसाना है, विशेष की गॉड ब्लेस यू, आप जीत गए, बधाई हो, आपको जितना बधाई देना है मैसेज में दीजिए, उनके CMS के लिए गाइए, हमें कोई इतराज नहीं। आप उनको बड़ा करके देखिए, वो मुझे छोटा करने पे लगे हैं, और वो छोटा मुझे नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को छोटा करने पे वो इंसान लगा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप भी कैपेबल है, हम भी कैपेबल है, बट मैं हारा नहीं और शेर था, शेर हूँ और शेर रहूँगा, क्योंकि मेरे पीछे मेरा योगदान जितना भी हो कम है, बट मेरी जनता का योगदान है, और जो